चाय ब्रेलिंग, लेट आई टेल यू वन थिंग दैट मेरे चाय का नाम है ब्रेलिंग। ब्रेलिंग मैंने ये सोच के रखा था कि ब्रेल से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करूँगी, पर ब्रेल के साथ साथ मैंने इस चैनल पे आपके साथ ब्रेल के अलावा टेलर फ्रेम थ्योरी पार्ट, जो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन के जो कोर्स कर रहे हैं उसका थ्योरी पार्ट, इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनाएं, वो सारी चीज़ें भी शेयर कर रखी है। और आज की वीडियो में हम करेंगे अबेकस। बहुत से लोगों को पता होगा कि अबेकस है क्या और अबेकस पे क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब भी आता होगा। और अब स्कूल्स में, लगभग हर स्कूल में सब बच्चों को अबेकस सिखाया जाता है कि ईजिली वो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे अबेकस का इंट्रोडक्शन, बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये है हमारा अबेकस और इस पर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे काउंटिंग्स करते हैं, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियोस में बताती रहूँगी टाइम टू टाइम। पहले हम अबेकस का थोड़ा थ्योरी का पार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। दी अबेकस इज अ मैकेनिकल एड यूज फॉर काउंटिंग, इट इज़ नॉट अ कैलकुलेटर इन द सेंस यूज द वर्ल्ड टूडे। मीन्स अबेकस एक काउंटिंग डिवाइस है और इसको, ये काउंटिंग डिवाइस है पर कैलकुलेटर की तरह आपका ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें आपको कैलकुलेशंस अपने आप करनी पड़ती हैं, देन आंसर फाइंड करना पड़ता है। अबेकस। द वर्ड अबेकस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड अबेक्स और एबकॉन, विच मीन्स टेबुलर फॉर्म दैट इज पॉसिबली डिराइव्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक वर्ड अबेक विच मीन्स सेव्ड। इस डिवाइस का नाम अबेकस कैसे पड़ा? ग्रीक वर्ड अबेक्स और एबकॉन, इनके कारण, इनका मतलब होता है टेबुलर फॉर्म, और जो अबेकस होता है इसमें भी आपने देखा होगा टेबल फॉर्म में होता है जिसमें आपके बीट्स प्लेस होते हैं, तो इस इन वर्ड्स के थ्रू इसका नाम पड़ा अबेकस। और इसका साइंटिफिक वर्ड है एबेक जिसका मतलब होता है सेव्ड। इन्वेंशन ऑफ अबेकस। द अबेकस इज अ मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वॉज इन्वेंटेड समवेयर इन बिटवीन 300 to 500 BC। द अबेकस हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे एंड होल्ड ट्रेडिशंस एज इट ट्रेवल्स इन डिफरेंट कंट्री। अबेकस हमारा बहुत पहले ही इन्वेंट हो गया था, अराउंड 300 to 500 BC के बीच में। एडवांटेजेस ऑफ अबेकस। हेल्प यू टू इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन इन मैथ्स। अबेकस से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स इम्प्रूव होती है। हेल्प यू टू बिल्डिंग अ बेटर एंड फास्टर कैलकुलेशन स्किल्स। अबेकस से हम लोग बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस एक शॉर्ट पीरियड में कर सकते हैं और इससे हमारी कैलकुलेशन जो है फास्ट भी होती है और इम्प्रूव भी होती है। हेल्प इन सॉल्विंग अरिथमेटिक सम्स। अबेकस पे हम लोग सारे अरिथमेटिक सम्स ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ईजी टू कैरी। अबेकस आपने देखा होगा इसका स्मॉल साइज़ होता है तो हम इसे ईजिली कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। जैसे आपका टेलर फ्रेम है, टेलर फ्रेम आप ईजिली कैरी करके नहीं लेके जा सकते, पर अबेकस एक ऐसा डिवाइस है जैसे आप फ़ोन अपना प्लेस करते हो वैसे आप अबेकस भी रख कर ले जा सकते हो। हेल्प यू टू इम्प्रूव मेमोरी। और अबेकस से हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है, बिकॉज अबेकस में जो हम क्वेश्चन लिखते हैं वो क्वेश्चन हमारा रिमूव हो जाता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे को एट दी एंड तक याद रहता है कि हमने क्वेश्चन क्या सॉल्व किया था और कौन कौन से स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। फर्स्ट स्टेप क्या लिया था, सेकेंड स्टेप क्या लिया था, प्रॉपर आपके स्टेप्स जितने भी लिए थे वो आपको याद रहते हैं, तो इसलिए आपकी इससे मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ अबेकस। अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं, तो क्या क्या अबेकस के डिसएडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। वी कैन नॉट सॉल्व एलजेब्रा ऑन इट। अबेकस पे हम एलजेब्रा सॉल्व नहीं कर सकते। टेलर फ्रेम पे हम अरिथमेटिक और एलजेब्रा दोनों चीज़ सॉल्व कर सकते हैं, पर अबेकस पे हम सिर्फ अरिथमेटिक ही सॉल्व कर सकते हैं, एलजेब्रा सॉल्व नहीं कर सकते। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कैलकुलेट। कभी कभी क्वेश्चंस जो है बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और उन्हें सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। कैलकुलेटर से तो आप फटाफट कर सकते हैं, पर अबेकस पे आप करेंगे तो हाँ उस पर टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसे टाइम कंज्यूमिंग भी बोलते हैं।
वी कैन नॉट करेक्ट मिस्टेक्स ऑन इट। अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी अबेकस में तो हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते, हमें उसे स्टार्टिंग से फिर से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। व्हेन वी राइट द आंसर वी लूज द क्वेश्चन। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अबेकस पे तो हमारा क्वेश्चन जो है रिमूव हो जाता है और हमारे पास आंसर रहता है। क्वेश्चन रिमूव करके ही आप आंसर जो है आप ला पाते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हाँ क्वेश्चन क्या था वो ही हमारे पास नहीं रहता। टेलर फ्रेम पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा होता है और नीचे आप उसके सॉल्यूशन करते रहते हैं, पर अबेकस में आपने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन फिर रिमूव होता जाता है और आपका आंसर आता जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हाँ हमारे पास क्वेश्चन नहीं रहता, सिर्फ आंसर ही बचता है एंड में। ये है अबेकस। अबेकस हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जितनी लोअर पार्ट्स में वैल्यूज होती हैं ये होती है हमारी वन, एक बीट की वैल्यू होती है वन, और जो ऊपर वाली बीट्स होती है उसकी एक बीट की वैल्यू होती है फाइव। अगर कोई भी बीट हम इस लाइन से टच करेंगे तो वो हमारी काउंट होती है, और जो नीचे वाली बीट्स होती है वो हमारी काउंट नहीं होती। जैसे अगर मुझे वन लिखना है तो वन के लिए ये जो मेरी एक बीट है इसको मैं इस वाले पार्ट पे ऊपर जाके टच करूँगी तो इसकी वैल्यू वन है। जब ये इससे टच होगी तभी इसकी वैल्यू वन है, अगर ये यहाँ पर है तो भी हम इसे कुछ डिनोट नहीं करेंगे। टच है तो वन टू, नहीं है तो ज़ीरो। अभी जो है सारी बीट्स हमारी नीचे हैं, मीन्स अभी अबेकस पे कुछ भी लिखा इसकी वैल्यू है ज़ीरो। अबेकस में हम काउंटिंग कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेफ्ट से भी ऐसे चलता है वंस, टेंस, हंड्रेड, और राइट से भी ऐसे चलता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। वन लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू है वन, और अगर हमें वन लिखना है तो अगर हमने यहाँ लिखा है तो इसकी वैल्यू भी वन ही है, वन वन। टू टू, ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो है हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, मीन्स वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हम इस पैटर्न में फॉलो करते हैं। बट इन केस जब हम एडिशन करते हैं तो हमें हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, तो एक नंबर हम यहाँ लिखते हैं और दूसरा नंबर हम यहाँ लिखते हैं। अब क्या है, अब मैं आपको काउंटिंग करके बताती हूँ। वन टू थ्री फोर, ये हो गई हमारी फोर तक काउंटिंग, वन टू थ्री फोर। हमें फाइव लिखना है तो फाइव के लिए हम ये सारी बीट्स कर देंगे नीचे, ऊपर की सिंगल बीट की वैल्यू होती है फाइव, तो हम ये जो ऊपर वाली बीट है इसे यहाँ आके टच करेंगे, मीन्स फाइव। देन सिक्स, फाइव प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स, फाइव इसकी वैल्यू हो गई और इसकी वैल्यू वन, फाइव और वन सिक्स। देन सेवन, एट, नाइन, दोबारा देखिए, वन इस लाइन से हम जब टच करेंगे तभी हमारी काउंटिंग जो है स्टार्ट होती है, वन टू, दो बीट टच है मीन्स टू। देन थ्री फोर, फोर के बाद हमें फाइव लिखना है, फाइव हमारे पास नीचे कोई बीट नहीं है, सिंगल इस बीट की वैल्यू होती है फाइव, इसे हमने नीचे स्क्रॉल कर दिया, इससे टच हो गया तो इसकी वैल्यू है फाइव, मीन्स ये हमारा फाइव काउंट होगा। देन सिक्स, फाइव और वन सिक्स, फाइव टू सेवन, एट और नाइन, ये हमने वंस वाले लाइन में लिखा है, वंस वाली लाइन में हमारे वन टू नाइन के नंबर्स आते हैं। फिर हमें लिखना है टेंस। टेंस हम कैसे लिखते हैं, टेन वाली लाइन में हमारा वन आता है और वंस वाली लाइन में हमारा ज़ीरो आता है, टेंस वाली लाइन में हम लिखेंगे वन और वंस वाली लाइन में ज़ीरो, मीन्स वन ज़ीरो टेन, वन एंड ज़ीरो इज़ टेन, वन वन इलेवन, वन वन इलेवन। टेंस वाली लाइन में आपकी बीट है वन और वंस वाली लाइन में आपकी बीट है वन, तो मीन्स वन वन इलेवन। देन वन टू ट्वेल्व, वन थ्री थर्टीन, वन फोर फोर्टीन, फिफ्टीन लिखना है तो उसके लिए ये सारे बीट्स हम वापस नीचे लेंगे। देन वन फाइव फिफ्टीन, वन वन सिक्स सिक्सटीन, वन सेवन सेवेंटीन, वन एट एटीन, वन नाइन नाइनटीन।
अब 20 लिखने के लिए क्या करते हैं हम, 20 लिखने के लिए हमारी टेंस वाली लाइन यानी इस वाली लाइन में हमारा 2 लिखा जाएगा और वंस वाली लाइन में 0, 2 0 20 2 0 20, देन 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 25 लिखने के लिए हम 2 and 5 25, 2 6 26, 5 1 6, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, then 3 0 30, 3 0 30. इसी टाइप से हम जितनी काउंटिंग है उसे लिखेंगे। 50 लिखना है तो इसके लिए 5 and 0, 5 0 50, 50 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 ऊपर वाली जो बीट है इसकी वैल्यू आ गई 5 और जो नीचे वाली लाइन है इसका 0। ये वाला 5 हम इसे लिखेंगे क्योंकि ये हमारा टेंस वाली लाइन में 5 है, मींस 50। 500 लिखने के लिए 5, 100 वाली लाइन का जो 5 है वो लिखेंगे 5, देन 0 0 100, 5 0 0 100, 500। 5000 लिखने के लिए 5, देन वंस टेंस 100, तीनों लाइन हमारी ब्लैंक रहेंगी, मीन 0 5 0 0 0 1000। 154 मीन्स 100 की लाइन में लिखेंगे हम 1 100, देन 54, 50 हमारी टेंस की लाइन का और 4 हमारी वंस की लाइन का, 154 इज इक्वल टू 154। 96 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो टेंस वाली लाइन है इसमें हम लिखेंगे 90 यानी 50 60 70 80 90 हो गया, देन 6 5 और 1 6, 96। अब हमें 296 लिखना है तो हम यहाँ लिख देंगे 296। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 4059, 4059, वंस टेंस 100,000, 1000 वाली लाइन में लिखना हमें लिखना है 4000 यानी 1 2 3 4 4000, 4059, 100 वाली लाइन में हमें कुछ नहीं लिखना, 50 के लिए 5 आ गया हमारा नीचे, 4050 और 9 लिखने के हमने 5 6 7 8 9, 4059। इस टाइप से हम 4059 को अबेकस पे लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 156, 156, 100 वाली लाइन में आएगा हमारा 1 156, टेंस वाली लाइन में हमें लिखना है 5 तो ये आ गया हमारा 5, वंस वाली लाइन में हमें लिखना है 6 यानी 5 and 1 6, 156। जब भी आप नंबर लिखेंगे बस आपको ये याद रखना है वंस टेंस 100,000, इस टाइप से हमें काउंटिंग लिखनी है। जैसे हम बचपन में सीखते हैं वंस वाई लाइन में हमारे 1 to 9 के नंबर्स आते हैं, फिर टेंस वाई लाइन में 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 आते हैं, सेम एज इट इज़ आपको अबेकस पे भी लिखने हैं नंबर्स, उसी टाइप से आपको अबेकस पे भी नंबर्स लिखने हैं, वंस टेंस 100,000 10,000। और अगर आपको काउंटिंग यहाँ से लिखनी है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, राइट टू लेफ्ट यानी 1 2 3 4, 5 लिखने के लिए आ गया हमारा 5, देन 6 7 8 9, देन है 10, 10 लिखने के लिए हम वंस वाली लाइन पूरी क्लियर कर देंगे, टेंस वाली लाइन में हम लिखेंगे 1 और वंस वाली लाइन में हमारा रहेगा 0, 1 0 10। 40 लिखना है तो 4 and 0 40, 58 लिखना है तो 5 and 8, 5 6 7 8, 58, इस टाइप से हम 58 लिखेंगे। जितने नंबर्स मैंने आपको इस अबेकस पे सिखाए हैं होप आप सबको पता चल गया होगा कि हमें अबेकस पे काउंटिंग कैसे लिखनी है। इन केस कोई आपको नंबर समझ में नहीं आ रहा कि आप उसे अबेकस पे कैसे लिखेंगे तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं कि मैम ये नंबर हम अबेकस पे कैसे लिखेंगे। आज की वीडियो में हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन अबेकस का और काउंटिंग कैसे करते हैं वो सब हमने किया।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी बहुत कुछ सीखेंगे हम आगे की वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।